नमस्कार बीसी न्यूज के चुनावी संग्राम 2024 में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बातचीत करने वाले हैं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के माथाड़ी कामगार सेना के अध्यक्ष सिद्धू कोमेजवार इनसे। आज हम जानेंगे उनसे लोकसभा का जो रन जो यहाँ पे छिड़ चुका है, कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी संदर्भ में हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। इतना बड़ा जो सबसे बड़ा चुनाव है लोकसभा चुनाव, ये शिवसेना जो है लड़ने जा रही है उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट, ये युति मतलब गठबंधन टूटने के बाद पहला चुनाव होने वाला है जो आप महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ने वाले हो। पूरे पक्ष जो पार्टियां है अलग विचारधारा की है, पहले आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में थे वो अलग विचारधारा थी, कैसा इसे देख रहे हो आप? लोकसभा चुनाव जो है वो अभी इस बार जो होने जाना जा रहा है उसमें जो पहले की जो विचारधारा थी और अभी की जो विचारधारा है, विचारधाराओं में फर्क पड़ गया है मगर डेवलपमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। डेवलपमेंट उसी प्रकार है जैसा हो रहा है। अभी दो तीन दिन पहले परसों नरसों के पेपर में महाराष्ट्र में मैंने बात में दिया कि माननीय नितिन जी गडकरी जो है वो हमारे देश में ही नहीं देश विदेश में जाने जाते हैं और कर्तव्य दक्ष पुरुष करके उनकी एक पहचान है। तो मैंने उनके समर्थन में कहा गया क्योंकि अभी उनकी पहली लिस्ट जो बीजेपी की जो पहली यादें जारी हुई है वो पहली लिस्ट के अंदर में उनका नाम नहीं था और उनका नाम नहीं होने के वजह से माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी, माननीय सुप्रिया ताई सुरे जी, इन्होंने उनको अपनी एक ऑफर दी थी कि आप हमारे तरफ से आइए, हमारे तरफ से लड़िए। नितिन जी गडकरी का वर्चस्व, उनका वजन, उनकी सारी चीज़ें और उनका जो विकास का जो विषय है वो विकास का विषय लेके उन लोगों ने नितिन जी गडकरी को अपने पक्ष में आके लड़ने के लिए विनंती की थी। उसी उपक्ष में मैंने भी उस दिन पेपर में बात में दी कि अगर नितिन जी गडकरी को यहाँ से बिनविरोध चुना जाता है तो ये नागपुर कर का तो मान सम्मान है, महाराष्ट्र का मान सम्मान है और ये अपने देश का भी मान सम्मान है। नागपुर का नाम ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जाएगा और अपने यहाँ की जो मानसिकता है, नागपुर करों की मानसिकता या यहाँ की जो पार्टियों की मानसिकता है, वो लोगों को पता चलेगी कि नहीं, यहाँ विकास को पूजा जाता है, पक्ष को नहीं। पक्ष करके हम उनके तरफ नहीं देखते, हम उनको एक विकास पुरुष के नाम से देखते हैं। इसलिए मैंने उस दिन वो पेपर में दिया है कि बा उनको एक बिन विरोध उनकी निर्णय नागपुर से उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जो प्रतिक्रिया दी है नितिन गडकरी को लेकर, वैसे ही प्रतिक्रियाएं जो है पूरे मतलब समाज से आ रही है, लोगों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। जिस तरह से पहले जो सूची जारी हुई थी उसमें उनका नाम नहीं था लेकिन उनको अब टिकट मिल चुकी है, सभी का समर्थन यहाँ देखा गया है, जन समुदाय का समर्थन यहाँ था। आप जो है अब विपक्ष में हो और ऐसे में आप कैसा देखते हो जब अब नितिन गडकरी जो है उन्हें टिकट मिल चुकी है, वो लोकसभा के लिए जो है चुनाव लड़ने वाले हैं और उनके खिलाफ लड़ने के लिए नागपुर में लोकसभा पर विपक्ष के पास कोई प्रत्याशी नहीं है या फिर ऐसा भी देखा जा रहा है कि कोई लड़ने को उनके खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है चुनाव में, क्या आप बताओगे इस पर, आपका क्या मत है? मैंने आपको अभी बताया कि उनका जो विकास का जो फंडा है, उनका जो नाम है और वो सर्वपक्षीय नेता है, वो कोई बीजेपी के नेता करके नहीं है। वो उनके पास जो भी जाता है, गरीब जाओ, जिनकी जो भी जरूरतें होती है वो सभी की जरूरतें पूरी करती है, वो निष्पक्षपाती है। वो ये नहीं देखते कि ये इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, इस पार्टी में काम करता है, उस पार्टी में कार्य करता है, इसका काम करना चाहिए नहीं। उनके पास जो भी जाता है वो सभी के काम करते हैं, उनके सभी से अच्छे रिलेशन है, सभी से संबंध अच्छे है। ये इनके वजह से उनके विरोध में कोई यहाँ लड़ने को तैयार नहीं। जबरदस्ती में किसी को तो भी बलि का बकरा है, जैसे बकरा बनाया जैसे किसी को तो भी यहाँ पर वो अपन जबरदस्ती लड़ा के और उनका अपमान के जैसे होगा तो वो नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव जो है लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले है, उसकी डेट आ गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हर रोज जो है राजनीतिक समीकरण बदलते हुए हमें देख रहे हैं। ऐसे में कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि राज ठाकरे
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के साथ आ सकते हैं। लेकिन अब जो है चर्चाएं ये भी दिखाई दे रही है कि उन्होंने कल ही जो है अमित शाह इनसे मुलाकात की और वो भाजपा के साथ जो है युति करने के लिए इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या बताना चाहोगे? राज ठाकरे जी अभी उधर गए हैं, हिंदुत्व का विषय लेके वो बात करते हैं बार बार, बाळा साहब के विषय से वो बात करते हैं बार बार, और अभी वो वहाँ जहाँ गए हैं अभी आपने देखा ही है कि लावरे तो उड़ियो, तो खुद ही वो मोदी साहब के विरोध में उन्होंने कई भाषण या कई वीडियो दिखाए कि मोदी साहब क्या बात करते हैं, बोलते क्या है और करते क्या है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वो वहाँ गए, तो ये उनका विषय है, उनके विषय पे अपन ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, वो बड़े नेता है, इसलिए ना बात करेंगे तो ही अच्छा है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट जो है विदर्भ में बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। इससे पहले हमने देखा जब बाळासाहेब ठाकरे भी थे तब भी हमने देखा है कि शिवसेना इतनी सक्रिय विदर्भ में नहीं थी जो इस बार देखी गई है। लगातार उद्धव ठाकरे जो है विदर्भ में दौरे कर रहे हैं, क्या बताओगे? इस बार माननीय संपर्क दुष्यंत जी चतुर्वेदी, माननीय प्रमोद जी मानमोड़े, माननीय किशोर जी कोमेरिया और हमारे कुछ और भी नेता है वो इस बार बहुत ज़्यादा सक्रिय है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इस बार नागपुर महानगर पालिका या विधानसभा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यही मैं बोलूँगा। बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं चुनावी माहौल है, लोकसभा के बाद विधानसभा और उसके बाद महानगर पालिका भी चुनाव लगने वाले हैं। तो ऐसे में उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट का क्या एजेंडा है, किस तरह से पूरी रणनीति जो है नागपुर में खासकर महानगर पालिका के लिए और विधानसभा के लिए बनाई जाएगी, क्या बताओ? बाळासाहेब का एक ही नारा रहा है, 80% समाजकारण, 20% राजकारण, 20% राजकारण, हम वही नारा लेके चल रहे हैं। आज हमारे नागपुर क्षेत्र में, आज जो भी क्षेत्र में आप जाते हो नागपुर में, जो भी विधानसभा या महानगर पालिका में, वहाँ पर हर शिवसैनिक एकदम तैनात है, लोगों की जनसेवा करने के लिए 24 तास सक्रिय है, उसके वजह से वो इस बार हमारे को कोई ये नहीं है और इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बस यही बात। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए और ये पूरी विषय पर जो है अपना मत यहाँ पे व्यक्त किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चुनावी महासंग्राम 2024 में वक्त हो गया यही रुकने का। आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।